रतिराम नाम के लाला जी थे, लाला जी भी क्या थे, रेडी लगाते थे। बहुत बढ़िया बात है, इतनी बढ़िया समझ में आया कि देखना घर जाके बताओगे। बेचारा जिसकी दुकान के आगे खड़ा होके सामान बेचने लगता, सौर सामान भी क्या, ये राशन उशन का छोटा मोटा सामान बेचा करता, चिप्स वगैरह रख रहा था, कोई हल्दी ये वो। जिसकी दुकान के आगे जाए वो धक्के मारे, चल यहाँ से आ गया, हमारे ग्राहकों को भी खराब करेगा। बेचारा सुबह से शाम तक धक्के खाता खाता रेलवे रोड की पहली दुकान से शुरू होता था, आखिरी आ जाती थी, कोई खड़ा नहीं हो जाता। लेकिन लगन इतनी थी कि उससे जो एक बार सामान ले जाता उसी के पास आता। 10-12 साल में यह हालत हो गई, उसने रेडी बेचकर दुकान ले ली, और दुकान के बाद उसके अंदर अच्छी बड़ी सी बिल्डिंग बना दी, निचले वाली बिल्डिंग में दुकान, ऊपर उसका रहना, और तीसरी मंजिल किराए पे दे दी। और अब वो रतिराम नहीं रहा, उसको सेठ रतिराम कहते थे लोग। सेठ जी को राम राम करते तो कोई भी उसे कहता राम राम सेठ जी, तो कहता कह दूंगा, कोई कहता हरिओम तो कहता हाँ बोल दूंगा, कोई कहता सत श्री अकाल कहता हाँ बोल दूंगा। उसके नौकर ने कहा कि सेठ जी आप क्यों अपने हंसी मजाक करवाते हो, लोग हंसते हैं आपकी बात पे, किसको राम राम ही नहीं लेनी आती, नमस्ते नहीं लेनी आती। तो पता है सेठ जी क्या कहते हैं कि भाई ये तो मेरे को भी पता है, राम राम का जवाब राम राम होता है, हरिओम का हरिओम होता है, और नमस्ते का नमस्ते होता है, लेकिन ये मेरे को कोई नहीं करते, मेरे को तो ये धक्के मारा करते 10 साल पहले तक, ये किसको करते हैं मेरे पैसे को। और इसीलिए जब मैं सुबह आके गले पे बैठता हूँ ना, तो सबसे पहले लक्ष्मी को ये बताता हूँ, आज तेरे को राम कुमार राम नमस्ते कर रहा था, आज तेरे को राम अवतार नमस्ते कर रहा था, आज तेरे को हरिओम बोल रहा था, आज वो कर रहा था। तो भाई जो जिसको नमस्ते करता है वो लक्ष्मी है, मेरे को कोई नमस्ते नहीं करता। आज के ज़माने की ये सच्चाई है, लोग सिर्फ और सिर्फ किसको नमस्ते करते हैं, पैसे, और वो कमाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।